हेलो एवरीवन, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। हमारी पहली नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड है बेंजोइन कंडेंसेशन, थर्ड है क्लेजन सिमेंट रिएक्शन, फोर्थ है क्लेजन कंडेंसेशन, फिफ्थ है कैनिजारो रिएक्शन, सिक्स है टिसेंको रिएक्शन, इसी को हम स्यूडो कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, सेवेंथ है थॉर्पे रिएक्शन और एट्थ नंबर की पर्किन रिएक्शन कहलाती है। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो हमको बहुत डर लगता है। उसका रीजन भी है, रामायण में एक नगरी थी लंका नगरी, उस नगरी के पात्र के जो नाम थे वो बड़े भयंकर टाइप के थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, वज्रमुष्टि, सिंहका, सुपनखा, ऐसे भयंकर भयंकर नाम थे। और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड हैं उनके नाम तो इनसे भी भयंकर थे, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर। अब यार कोई भी हो इतने भयानक भयानक नाम सुनेगा तो उसको डर तो लगेगा, लेकिन हमको ये भी पता है कि डर के आगे जीत है। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो सारे कंपाउंड हैं उनका निवास स्थान आजकल कहाँ पे है? वो सारे के सारे जो है वो युगांडा में रहते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो युगांडा जो है वो जाना ही होगा। तो अभी हमने जितनी भी रिएक्शंस का नाम लिया है उनका संबंध कहीं ना कहीं अल्डिहाइड और कीटोन से है। अल्डिहाइड और कीटोन को दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। ये कैटेगरी वैसे ही है जैसे ब्राह्मणों की दो कैटेगरी होती है, सनाड्य ब्राह्मण है कि कानपुर ब्राह्मण है, ठाकुरों में दो कैटेगरी होती है, चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, मुसलमानों में दो कैटेगरी होती हैं, सिया है कि सुन्नी है, ऐसी अल्डिहाइड की दो कैटेगरी होती है, कीटोन की भी दो कैटेगरी होती है, अल्फा हाइड्रोजन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये अल्फा अल्फा है क्या तो देख लो जरा, ये हमारा अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इस ग्रुप से ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? टू। ये फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? अल्फा कार्बन के साथ मिलेगा, आप इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहने लगना, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है और चूंकि यहां पे एलिफेटिक चेन है नहीं इसलिए अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। ये हमारा कीटोन है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन है। ये हमारा कीटोन है और ये उसका अल्फा कार्बन है, ये उसका अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, इस कारण ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। ये हमारा साइनाइड ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है और ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो हमने छोड़ ही दिया कि हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, एक भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तीन हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन से भी तीन हाइड्रोजन कनेक्ट है। ये एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा? अल्फा कार्बन के साथ मिलेगा। इसके बाद हमारी एट नंबर की रिएक्शन आएगी, इस रिएक्शन को हम पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। इस पर्किन रिएक्शन में होता क्या है, जो बकांडा देश का बेंजल्डिहाइड है उसको युगांडा देश के एसिड एनहाइड्राइड से प्यार हो जाता है। उसका रीजन क्या है तो रीजन देख लो जरा, ये बकांडा देश का बेंजल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और ये युगांडा देश का एसिड एनहाइड्राइड है,
इस एसिड एनहाइड्राइड में दो अल्फा कार्बन प्रेजेंट हैं और इन अल्फा कार्बन पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन खूब है, जिस कारण बेंजल्डिहाइड को इस एसिड एनहाइड्राइड से प्यार हो जाता है। जब इनका प्यार जो है वो परवान चढ़ता है तो ये दोनों साथ में जीने मरने की कसमें खाना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी शादी कराएगा कौन, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग तेज के प्राणी हैं। तो फिर पता किया क्या कि ऐसी शादी कौन कराता है, तो पता चला कि ऐसी शादी जो है वो परकिन नाम के पंडित जी कराते हैं। तो परकिन नाम के पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आए तो उन्होंने दोनों को सोडियम एसीटेट जो है वो पिला दिया। ये जो सोडियम एसीटेट है ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है और हमको यहाँ पे वही बेस लेना है जिस एसिड से ये एसिड एनहाइड्राइड बना हुआ है। तो ये एसिड एनहाइड्राइड जो है वो एसिटिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में हीट करके बनाया जाता है। फिर क्या किया, फिर पंडित जी ने दोनों को गर्म तवे पे रखा, हीट किया। इससे क्या होगा कि यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन निकले और यहां से ऑक्सीजन, इन्होंने मिलके वाटर बना लिया। ये क्या मतलब, शादी के पहले ही प्यार जो है वो दरवाजे से बाहर निकल गया। भाई इनके बीच प्यार क्यों हुआ था, क्योंकि इसको अल्फा हाइड्रोजन अच्छा लगता था और इसको इससे प्यार क्यों हुआ था, क्यों, क्योंकि उसको ये वाला ऑक्सीजन अच्छा लगता था। भाई वाटर निकल गया, इसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये सी एच है, यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों आएगा। अब प्यार तो इनकी जिंदगी से पहले बाहर निकल चुका था, तो इनको बहुत पछतावा हुआ। इनको लगा कि इन्होंने अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर लिया है, अब इन्होंने अपनी गलती सुधारना चाहिए। अब इनको लगा कि वाटर बाहर निकला है, अगर वाटर अंदर आ जाए तो शायद हम पहले जैसे बन जाए। तो इन्होंने खूब सारा पानी लिया, क्योंकि यहां पे हमने हीट किया था तो यहां पे उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया। तो क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। ये जो वाटर है ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो H पॉजिटिव जो है वो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, OH नेगेटिव इस कार्बन से कनेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जोड़ना है OH प्लस ये CH3 C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे H जोड़ना है। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड बनता है और ये हमारा एसिटिक एसिड बनता है। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गए। ये क्या हुआ भाई, दोनों ने शादी क्या कर ली, दोनों का जीवन जो है खट्टा खट्टा हो गया। इस बेंजल्डिहाइड ने इस एसिड एनहाइड्राइड के दांत खट्टे कर दिए और इस एसिड एनहाइड्राइड ने इस बेंजल्डिहाइड के दांत खट्टे कर दिए। इसलिए तो कहते हैं कि शादियां जो है वो अपने कुल में करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जीवन जो है वो इनकी तरह खट्टा खट्टा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।